आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, अध्यक्ष महोदय, आज इस चर्चा में शामिल होने का आपने मुझे मौका दिया। संजीव भाई ने बहुत अच्छी शुरुआत की और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताए कि क्यों केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ये अमेंडमेंट एक्ट गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी ये मामला आएगा ये नहीं टिकेगा। 2-3 दिन पहले मैं पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहा था तो एक पत्रकार साथी ने पूछा कि सर, आप बार बार कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा, मगर पार्लियामेंट के पास तो पावर है एक्ट बनाने की, कानून बनाने की पावर तो पार्लियामेंट के पास ही है, तो पार्लियामेंट ने अगर कानून बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे हटा देगा। तो मुझे ये समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो भक्त हैं उनको क्या पाठ सिखाती है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, बाबा साहब का संविधान आज जिंदा है। किसी भी देश की संसद को या केंद्र सरकार को ये अधिकार तो है कि आप कानून बना सकते हैं, मगर वो कानून आपके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बना सकते हैं, आप उसके बाहर नहीं बना सकते। ये कोई ये नहीं है कि आप कुछ भी बना देंगे। मसलन ये है कि आपको कोयले की खदान बांटनी है, कानून आप बना सकते हैं, मगर आप ये कानून नहीं बना सकते कि भाई जिसने लाल कमीज पहनी है उसको काले कोयले की खदान दे देंगे, ऐसा कानून नहीं बन सकता। ये कानून नहीं बन सकता कि जी साउथ इंडिया के लोगों को देंगे नॉर्थ इंडिया को नहीं देंगे। ये कानून नहीं बन सकता कि महिलाओं को नहीं देंगे पुरुषों को सिर्फ खदान देंगे, ऐसे कानून नहीं बन सकते। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर आपको रहना पड़ेगा। तो ये कानून तो बेसिक प्रिंसिपल से बाहर है, ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, केंद्र सरकार भी जानती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में कई साथियों ने बताया, मैं उस विषय में दोबारा नहीं घुसूंगा। मैं एक बड़ी साधारण सी बात करना चाहता हूं जो एक साधारण आदमी को समझ में आए कि क्या कारण है केंद्र सरकार इस तरीके से अमादा है। सारी लोक लज्जा नैतिकता शर्म लिहाज सब छोड़ दिया, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी हुई उसी दिन रातों रात ऑर्डिनेंस ले आए, ऐसा क्या हो गया। कारण यह है अध्यक्षा महोदया, भारतीय जनता पार्टी ये बात मान चुकी है कि वो दिल्ली में कभी भी अपनी सरकार नहीं बना सकते, ये बात वो मान चुकी है। उनकी सरकार यहां नहीं बन सकती, उनको मालूम है। इसलिए अब वो सारे काम किए जाएंगे कि यहां पे बिना सरकार चलाए ही किसी तरीके से दिल्ली वालों को परेशान किया जाए, दिल्ली वालों के काम रोके जाए। कल पिटीशंस कमेटी की कुछ रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा हो रही थी और रिपोर्ट्स में लिखा है, अध्यक्षा महोदया आप सोचिए, आप राजनीति में क्यों आते हैं? आप राजनीति में इसलिए आते हैं आप गरीबों की मदद कर सकें, बेसहारा लोगों की आप पेंशन लगवा सकें, कोई बीमार हो तो उसको आप अस्पताल में उसका इलाज करवा सकें, कोई गरीब हो उसके पास पैसे ना हो तो मुफ्त में उसका टेस्ट करवा सकें, इसलिए तो आप राजनीति में आते हैं। यही काम है आपका राजनीति में आके, वरना आप क्या कर सकते हैं। और ये जो नए नए कानून लाए गए हैं, जो 2015 में लाए गए, 2020 में लाया गया, फिर 2023 के अंदर लाया गया ऑर्डिनेंस, फिर 2023 में दोबारा कानून लाया गया, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद अध्यक्षा महोदया सिर्फ ये है कि दिल्ली के गरीब आम लोगों को परेशान करना, उनकी जिंदगी को हराम करना। आप सोचिए अध्यक्षा महोदया, मैं जब विधायक था अपनी विधानसभा के कार्यालय में बैठता था तो एक औरत मेरे पास हर हफ्ते आती थी और वो कहती थी, वो डीडीए फ्लैट्स कालका जी से आती थी, शायद 13 नंबर ब्लॉक या 11 नंबर ब्लॉक से, और वो आके यही कहती थी कि बेटा मेरी और मेरे पति की पेंशन 3 महीने से रुकी हुई, 3 महीने से उसके और उसकी पति की पेंशन मिला लो तो 5,000 रुपये महीने का उसका रुका हुआ है। मैंने कहा जी पति क्यों नहीं आते आपके, आप क्यों आती हो? कह रहे बेटा उनको कैंसर है, वो बीमार है।
चल भी नहीं सकते। अस्पताल में मुफ्त इलाज हो रहा है मगर अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के लिए ऑटो लेना पड़ता है, ऑटो में आने जाने में 200 रुपए लगते हैं, 200 रुपए नहीं है मेरे पास। दवाई लेने का टाइम हो गया, डॉक्टर के पास जाने का टाइम हो गया, मेरे पास 200 रुपए नहीं है, मैं कैसे ऑटो लेके जाऊं। और रोती थी आके। और इस तरीके का एक नहीं था कोई, इस तरीके के लाखों लोग दिल्ली में थे जिनकी पेंशन पिछले साल 3 महीने के लिए रोकी गई। जून में मुझे लगता है कि पेंशन दी गई, जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर ये पेंशन रोकी गई, अक्टूबर के अंदर ये मामला हमारे पास आया। क्यों पेंशन नहीं दी जा रही? फाइनेंस ने ऑब्जेक्शन लगा दी। क्यों ऑब्जेक्शन लगा दिए अध्यक्ष महोदय? हम सुन के हैरान हो गए कि क्या बात है। कहते हैं कि जी जो शुरू में पेंशन का जो स्कीम बनी थी उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस जो थे उनको पेंशन डिस्पर्स करनी थी, और इस बार जब फाइनेंस के अंदर फाइल गई तो फाइनेंस ने कहा रही ये क्या कर रहे हो तुम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पेंशन देंगे, सेंट्रल ऑफिस पेंशन कैसे देगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पेंशन देंगे। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस को कहा गया कि तुम पेंशन दो। उन्होंने वापस चिट्ठी लिखी कि जी हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास ना ऑपरेटर है, हमारे पास ना क्लरिकल स्टाफ है, हम कैसे दें। और ये फाइल आगे पीछे होते होते 3 महीने गुजर गए अध्यक्ष महोदय, और गरीब लोगों को पेंशन दी नहीं गई। फिर आई बात, एक और पिटीशन लगा था अस्पतालों के अंदर ओपीडी काउंटर से। ओपीडी काउंटर एक ऐसी जगह होती है जहां पे सबसे पहले कोई गरीब बीमार आदमी वहां जाता है, अपना एक ओपीडी का पर्चा बनवाता है और फिर वो अस्पताल के अंदर डॉक्टर के पास जाता है। हमें पता चला कि अस्पतालों के अंदर जितने भी ओपीडी काउंटर हैं उनके अंदर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उनकी अचानक नौकरी खत्म कर दी गई, घर जाओ। पता किया भाई ऐसा क्या हो गया? पता चला फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑब्जेक्शन लगा दिया है कि भाई आप इतने सालों से जो डेटा एंट्री ऑपरेटर लगा रहे हो इसकी आपने एक एआर स्टडी तो कराई नहीं है, और क्योंकि आपने एआर स्टडी नहीं कराई है इसलिए सबको निकाल दिया गया, ताकि जब तक एआर स्टडी नहीं होगी तब तक अस्पतालों के अंदर ओपीडी काउंटर के ऊपर बैठने वाला कोई नहीं होगा। स्वीपर बैठा हुआ है ओपीडी काउंटर पे, उसको क्या पता ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास भेजना है या डेंटिस्ट के पास भेजना है, उसको क्या पता गायनोकोलॉजिस्ट के पास भेजना है या बच्चों के डॉक्टर के पास भेजना है, उसको कुछ नहीं पता। आपने अफरा तफरी मचा मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर, आपने सिर्फ फाइनेंस की ऑब्जेक्शन के सहारे आपने कई महीनों तक अस्पतालों के अंदर और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर टेस्ट बंद कर दिए। ये क्यों किया जा रहा है? दिल्ली की जनता को परेशान, आप इस बात को समझिए। जल बोर्ड का पैसा रोक दिया गया, लोग पानी की समस्या से परेशान है, किसी के यहाँ सीवर ओवरफ्लो हो रहा है वो परेशान है, मगर जल बोर्ड का पैसा रोक दिया गया। क्यों रोका गया? सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि दिल्ली की जनता को इतना परेशान करो, करते रहो उनको परेशान, ताकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बदनाम हो जाए। सिर्फ एक मकसद है, जो अफसर अच्छा काम करे, ऐसा नहीं है अफसर अच्छे नहीं, अफसर है अच्छे, जो अफसर अच्छा काम करते हैं उनको ऐसी जगह लगा दिया जाता है जहां पे वो काम ही ना कर सके, या उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो अफसर सबसे ज्यादा बदमाश है, जो हर काम को रोकेगा, उस अफसर को ऐसी जगह लगाया जाता है ताकि दिल्ली सरकार का हर काम रोका जाए, हर चीज के ऊपर फाइल के ऊपर कोई ऐसी बात लिख दी जाए कि वो कई महीनों तक फाइल घूमती रहे, उसका नंबर ही ना आए काम होने का। मैं अध्यक्ष महोदय एक बात बताना चाहता हूं, एक घर के अंदर मां होती है और बेटा गरीब होता है, मगर मां बेटे से प्यार करती है, इसीलिए मां उसके साथ रहती है, इसलिए नहीं रहती कि मां को वो सहूलियत दे रहा है। ये दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी की मां है, और ये मां जान रही है कि बेटा तो कमाता है, बेटा तो चाहता है कि मां को सब सहूलियत मिले, मगर बीच में कुछ लोग हैं, केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, जो वो सहूलियतें दिल्ली वालों को पहुंचने नहीं दे रहे। ये बात जनता भी जानती है, और यही कारण है अध्यक्ष महोदया, भारतीय जनता पार्टी, मेरा मानना यह 93 में पहली सरकार भी थी, 98, 25 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर नहीं आ पाई। ये इसी जगह बैठेंगे अगली बार भी, आप देख लीजिएगा, यही जगह होगी और ये हमेशा सामने बैठेंगे, ये कभी इस तरफ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये दिल्ली के
क्योंकि ये दिल्ली की जनता को सताते हैं। इन्होंने 2013 में ये करने की कोशिश की, इन्होंने 2015 में ये कोशिश की, इन्होंने 2020 में ये कोशिश की, और दिल्ली की जनता जानती है कि इनकी नीयत खराब है। ये लोग दिल्ली की जनता को परेशान करने वाले लोग हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये लाख कोशिशें कर लें, अगली बार भी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी।